अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ब्रेड पकोड़ा बनाने की रेसिपी बताऊंगी। सबसे पहले हम आलू छील कर उनको काट के बॉईल कर लेंगे। अब ब्रेड के पीसेस को हम दो दो टुकड़ों में काट लेंगे। अब एक बर्तन में हम एक कप बेसन ले लेंगे। इसमें हाफ टी स्पून हम नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन डाल देंगे और हाफ टी स्पून जीरा डाल देंगे। साथ ही इसमें एक कप पानी डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों ये सारी चीजों को हमने मिक्स कर लिए। बेसन को तकरीबन इतना गाढ़ा होना चाहिए। तो दोस्तों ये आलू बॉईल हो चुके हैं, अब हम इनको अच्छी तरह से कुचल देंगे। अब इसमें हम हाफ टी स्पून नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे, वन टी स्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा और वन टी स्पून खुश्क धनिया और इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ब्रेड के पीसेस पे लगा देंगे। इस तरह से हम सारे पीसेस पे लगा देंगे। तो दोस्तों ये सारी ब्रेड पे हमने आलू वाला मिक्सचर लगा दिए, अब हम इसको बेसन वाले मिक्सचर में डिप करके फ्राई करेंगे।
तो दोस्तों ये हमारे ब्रेड पकौड़े तैयार हैं। अगर रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।